गाना बंद कर बोली रख ले था भैया में आप सभी का स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो गाइस आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ रायपुर से लगा उरगुरा जो है गांव है वहाँ पे है शिवलिंग निकला हुआ है। अभी लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में हर जगह पे शिवलिंग निकल ही रहा है। तो कुछ दिन पहले किशनपुर में निकला हुआ है, उसके बाद उरगुरा में निकला हुआ है और दो तीन जगह और निकला है ऐसा करके मैं सुना हूँ। आज मैं आप लोगों को उरगुरा लेकर चलता हूँ कि आप कैसे उरगुरा जा सकते हैं। अगर आप दुर्ग भिलाई या रायपुर या नांदगांव या धमतरी बालोद ये सब जगह पे रहते हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या सुविधा है क्या नहीं है, तो सारे जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में मैं जहां जहां पे जाता हूं उसको मैं अपडेट करता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। गाइस तो मैं गया हुआ था चरोदा, गया हुआ था तो चरोदा से मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रायपुर शहर टाटीबहन भिलाई नागपुर, तो यहाँ से आप बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट की ओर और ये वाला जो ऊपर वाला जो रास्ता गया हुआ है ये वाला जो है बाईपास होते हुए सीधा टाटीबहन, तो टाटीबहन अभी नहीं जाना है, अभी हम लोग को जाना है उरगुरा। तो उरगुरा जाने के लिए बिरगांव जाना पड़ेगा, बिरगांव से आगे देखते हैं कहाँ पे मुड़ना है, वो तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाते हुए लेके जा रहा हूँ। और हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। इस उरगुरा जाने का एक रीज़न है मेरा कि उरगुरा में 6 दिसंबर को जो बरगद या पीपल का पेड़ है उसके नीचे से शिवलिंग निकला है करके वो बढ़ रहा है। वैसे मुझे पता चल ही गया था 8 या 9 तारीख को मुझे पता चल गया था, लेकिन क्या है टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जाना नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं लेट से ही जा रहा हूँ। और कुछ दिन पहले मैं गया हुआ था किशनपुर, किशनपुर का अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। रायपुर सिटी में घुसते ही आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा और ये वाला जो रूट है ना सीधा टाटीबहन लेके जाएगा, तो आप ओवर ब्रिज होते हुए टाटीबहन भी जा सकते हैं। और जो पीछे वाला जो रास्ता है ना वो सीधा जाएगा आपका बिलासपुर। तो गाइस सामने में है बंजारी माता का मंदिर है ना, अगर आप लोग यहाँ आते हैं ना तो वहाँ बंजारी माता का दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड में जो है झंडे नज़र आ रहे हैं ना वही है बंजारी माता का मंदिर है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ बंजारी धाम ट्रस्ट करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखा हूँ मैं भीड़ भाड़ तो नज़र आ ही रहा था। तो आप कभी भी आना चाहते हैं तो माँ बंजारी धाम का दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उरगुरा और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग बनी हुई है, लिखा हुआ है न्यू DM टावर्स करके लिखा हुआ है। अब उरगुरा के लिए कहाँ से कटना है वो दिखा दूँगा मैं। सन इंटीरियर करके लिखा हुआ है उरगुरा। गाइस तो ये देख सकते हैं सामने उरगुरा, तो यहाँ से लेना है लेफ्ट, यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड नज़र आ रहा है ना, यहीं से लेना है लेफ्ट। रायपुर शहर भनपुरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ तो ज़्यादा आइडिया तो नहीं है मुझे, तो मेरा वीडियो देखते हो ना तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कैसे आ सकते हैं, हमारे वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा आप लोग को। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी मस्त दुकान वगैरह खुले हुए हैं रोड के किनारे पे, चाय नाश्ता जो भी आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद कहाँ से मुड़ना है वो आपको बतलाएंगे, देख रहे हैं ये वाला जो बिल्डिंग है वो अभी तैयार हो रहा है, ये क्या है ऑडिटोरियम करके लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉगर भाई है, अरे वाह क्या बात है, ये पानी टंकी है सामने में। चलिए ना आगे चलते हैं, यही आसपास से मुड़ना है ऐसा लगता है मुझे, स्कूल है ये।
तो यहीं से मुड़ना है क्या? सीधा चलना है करके बतला रहे हैं। मेन रोड कुरकुरा, यहाँ पे भी पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। अच्छा खासा है भाई, कुरकुरा काफ़ी बड़ा है क्योंकि तो सिटी से लगा हुआ है ना, रायपुर सिटी से लगा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र कुरकुरा, मेन रोड से लगभग अभी हम लोग आ चुके हैं 1 किलोमीटर। अब इसके बाद ये देखना है कि इधर राइट लेना है गाइस, यहाँ से गुपचुप वगैरह खाना चाहते हैं मस्त शाम शाम को समय में, तो यहाँ पे लगे हुए भाई। कुरकुरा में भी जो है शिवलिंग निकला हुआ है, मतलब 6 दिसंबर को निकला है, जैसे किशनपुर में निकला हुआ है ना उसी तरह से यहाँ पे भी निकला हुआ है, और लोग आ रहे हैं भाई दर्शन करने के लिए। और तालाब के पास ही है करके बतला रहे थे, एक तालाब तो ये है सामने में, ये देख सकते हैं। और ये सब लोग आ रहे हैं ना, आंटी लोग उसी तरफ से आ रहे लगता है, ये देखिए तालाब। तो देख के आ रहे भाई, ये देखिए ऑटो में भी बैठे हुए हैं लोग, भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या धीरे धीरे पता चलता है ना, तो लोग आना जाना करते ही हैं। ये टावर है, मोबाइल टावर। अरे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं वो जगह पे, और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भीड़, मेला जैसा माहौल है यार यहाँ पे। यहाँ पे घर बन रहा है और ये लिखा हुआ है सामने नंदी चौक कुरकुरा। तो गाइस यही तो है, यहाँ पे नंदी महाराज है सामने में, और तो भीड़ देखिए गाइस, मार्केट लगा लगता है, आज मार्केट की वजह से भीड़ है भाई। क्या लगा है? अच्छा यही पे लिखा हुआ है ना शिवलिंग, इस कारण से यहाँ पे भीड़ है। देख रहे हैं गाइस भीड़ को, और यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग आगे जा रहे हैं और वहाँ पे रखेंगे बाइक, तो भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। ये है भाई कुरकुरा, यहीं पे निकला हुआ है, आगे में रखते हैं थोड़ा गाड़ी को। और ये तालाब है, यहाँ पे एक और मंदिर है शिव जी का। फाइनली है गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ कुरकुरा में, आप लोग को दिखलाया था यहाँ पे भीड़ भाड़ लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी है अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं। जब शुरू में यहाँ पे जब शिवलिंग निकला हुआ था तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुका है। अभी मैं शाम के समय में पहुँचा हूँ और आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ, तो हमारे वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। गाइस तो मैं पहुँच चुका हूँ कुरकुरा में, और आप लोग को ये वाला जो है मैं आप लोग को आते आते दिखलाया था, अभी मैं सामने गया हुआ था, सामने से आप लोग को दिखलाते हुए यहाँ पे आ रहा हूँ। इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ पूरा लाइन लगा हुआ है और देखने के लिए, और इस तरफ देखेंगे ना तो आपको पूरे दुकान है वो आपको देखने को मिलेगा। नारियल लेना चाहते तो नारियल भी ले सकते हैं, साथ ही साथ बच्चे लोग के लिए खिलौने, और ये पूरा लाइन लगे हुए हैं देखने के लिए। और ये जो है बरगद का जो पेड़ है ना, उन्हीं के सामने में ये देख सकते हैं शिवलिंग निकला हुआ है, तो लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। और अभी छत्तीसगढ़ में 3 से 4 जगह हो गया है जो है शिवलिंग निकला हुआ है, किशनपुर में है, तिवरिया में है जो कि पड़ता है आपका जो है बिलासपुर रूट में है वहाँ पे है, और यहाँ पे भी निकला हुआ है। तो बतलाते हैं कि यहाँ पे जो निकला हुआ है 6 दिसंबर को ही निकला है करके बतला रखे, अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुश्किल से 15 से 20 दिन के आसपास में हुआ है। भीड़ देखेगा इस यहाँ पे, और ये जो है पेड़ देख रहे हैं ना,
इन्हीं के जस्ट नीचे में है, तो आपको मैं दिखाऊंगा। और आसपास का जो एरिया आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे है तालाब, तालाब वगैरह में पानी वगैरह मस्त भरा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आपको नारियल लेना होगा तो नारियल भी ले सकते हैं। और ये उरकुरा बस्ती है सामने में। और आपको जो है स्टार्टिंग में आते आते मैं आप लोग को दिखलाया हुआ था नंदी चौक है, तो नंदी चौक से ही लगा हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगा कि मार्केट है करके, तो मार्केट नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है शिवलिंग निकला हुआ है, इस कारण से यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है लगी हुई है। अगर आप आते हैं तो नारियल भी चढ़ा सकते हैं। जब स्टार्टिंग में जब यहाँ पे बतलाते हैं कि निकला हुआ था ना, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन इस टर्निंग में भीड़ को आप लोग देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल हज़ारों की संख्या में है अभी इस वक्त, लेकिन जैसे सोमवार को अगर आप आते हैं तो आपको यही जो जनसंख्या है आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जिसको जिसको पता चल रहा है भाई, तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं पेड़ में जो है नारियल बंधा हुआ है। तो पास से आप लोग को दिखाएंगे, अभी तो लाइन लगी हुई है। अगर परमिशन अगर हमको मिलता है तो आपको पास से दिखलाते हैं। तो गाइस इसी जगह पे निकला हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे सब अपना अपना अगरबत्ती निकाल लो जी, देवता नजर आ रहा होगा, और उसी के नीचे में शिवलिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग हैं जो है नारियल वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, सब पूजा पाठ भी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाए हुए हैं इस तरफ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो तो गाना बंद कर बोलू, रख ले था भैया। अभी रुकना वीडियो चलो 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 थोड़ा जल्दी चलो चलो। चलो चलो थोड़ा जल्दी कर दे भैया, चलो दीदी जल्दी चल दो भैया, चलो हो गए। तो यहाँ पे अच्छा खासा दर्शन हो गया है। किशनपुर गया हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और क्या है सब नारियल से ढका हुआ था, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो सामने में है पत्थर, वही है शिवलिंग। चलो इधर आओ, थोड़ा जल्दी आओ, इधर अंदर आओ जल्दी, हो गए चलो जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। तो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे दिखलाया हूँ, यही है जो पेड़ के नीचे में निकला हुआ है, और मैंने आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो है नारियल रखे हुए हैं, और यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको आप लोग देख सकते हैं, लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए। और अभी शाम का समय हो चुका है, और शाम के समय में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 1000 के आसपास में बिल्कुल नजर ही आ रहे हैं। और जैसे कि दिन में आते हैं सोमवार को, तो सोमवार को आपको यहाँ पे ज़्यादातर आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। और मैंने अच्छी तरीके से आप लोग को दिखलाया हुआ यही बरगद का जो पेड़ है ना उसी के नीचे में, और ये जो भैया इन्हीं को है सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दिया है। गाइस तो आप लोग को जाते जाते और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा ही है। हम लोग जब आए हुए थे उतना ही है, लेकिन अभी और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो लोग अभी गाड़ी से आना जाना कर रहे हैं। वैसे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पे बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं। बाकी जो यहाँ का जो स्टेशन है, आपको जयपुर मेन स्टेशन है, वो पड़ेगा आपको यहाँ तक आने के लिए। तो ट्रेन से आने के बाद आपको ऑटो लेके यहाँ तक आना पड़ेगा, तो रायपुर का रेलवे स्टेशन आप बिल्कुल आ सकते हैं। देख रहे हैं तो भीड़ यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, पहले के समय में यहाँ पे भीड़ नहीं था। गाइस तो मैं उरकुरा आया हुआ था, उरकुरा में आप लोग को मैंने जो है यहाँ पे शिवलिंग निकला हुआ है उसको मैंने आप लोग को दिखलाया हुआ है, आप लोग भी देखे ही होंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और भीड़ भी आप लोग को मैं दिखलाया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। सोमवार के अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।